हेलो एवरीवन। तो मार्केट में गजब का अप ट्रेंड चल रहा है, और ऐसा अप ट्रेंड हमने पहले ही एक्सपेक्ट करके आपको बता दिया है कि मार्केट में बहुत बड़ा तेजी आ रहा है और वही सब चल रहा है। और ट्रेंड देखिए कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, आप इस चीज को समझिए। देखिए यहाँ पे मोमेंटम लॉस हुआ, और देखिए इतना बड़ा मूवमेंट के बाद हमारा देखिए प्रॉफिट 15-20 हजार होता, लेकिन मात्र 4 हजार का प्रॉफिट हुआ है। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, और सब कुछ एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में मिलेगा। पूरा वीडियो को आप समझिए, और अभी इसके बाद क्या क्या मूवमेंट हो सकता है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से समझिए। देखिए मार्केट में यहाँ पे देखिए इस जोन में ऑप्शन बाइंग या फिर जिसके पास कम पैसे उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और ये चीज मैं आपको हर बार डिस्कस करते रहता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करेंगे क्यों, आपको यहाँ पे छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन देखिए ट्रेंड ऊपर की तरफ है ना। यहाँ पे हमने छोड़ा और देखिए कितना बड़ा ट्रेंड हमने मिस किया, इसमें हमको कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखिए कितना होता है। ये चीज आपको होता है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मालूम है ना ये चीज। मैं आपको जैसे ही मार्केट आया है यहाँ पे, उसके बाद ये नीचे आके ऊपर क्यों जाएगा पूरा, आप उसको एक बार डेली चार्ट में समझिए, तब आपको समझ में आएगा। और ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हर बार, और हमारा ये क्लियर कट सेटअप है कि कोई भी अगर ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड में नीचे की तरफ मूविंग एवरेज के पास आएगा तो बाय ही करना है। कल ही हमने बताया था, लेकिन देखिए हमने क्यों नहीं कल बाय किया यहाँ पे, यहाँ तक हमने टोटल बाय नहीं किया, यहाँ तक हमारा पूरा मिस क्यों हुआ, क्योंकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है यहाँ पे गड़बड़ हुआ। हमें यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था, प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि ट्रेड यहाँ पे जो ले रहे थे वो ऑप्शंस बाइंग के ले रहे थे, जबकि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का लेना चाहिए था ट्रेड। तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमारे पास मार्जिन नहीं है, इसके कारण हम यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग के ट्रेड ले रहे थे, और ऊपर नीचे दोनों ट्रेड में हमें लॉस हुआ। जबकि हमारे एनालिसिस के अनुसार ही मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया, इसमें हमें 8-10 हजार का आराम से प्रॉफिट होता। और जब नीचे आया था तो यहाँ से हम आराम से यहाँ से बाय भी कर सकते थे, क्योंकि वहां पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। और यहाँ पे देखिए अब अप ट्रेंड में आ गया, तो फिर से बाय ऑन डिप्स ही रहेगा, लेकिन अब देखिए मार्केट स्ट्रेच हो रहा है, तो अगर एक इस टाइप का भी मूवमेंट आएगा तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। तो अगर मार्केट क्लियर कट ऊपर जाता है अच्छी बात है, अगर इस टाइप का वोलेटिलिटी क्रिएट करता है तो फिर भी ऑप्शंस बाई वालों में प्रॉब्लम होगी, ऑप्शन सेलिंग में सब में प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर फ्यूचर बाय में आप सीधे सीधे समझिए 500 पॉइंट का मूवमेंट मात्र आपको एक दिन के अंदर में मिल जाता है। क्यों मिलता है, आप देखिए मार्केट इस टाइप से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, हमारा व्यू था कि यहाँ तक आएगा एवरेज तक, एवरेज से फिर से बाइंग आएगा। कल ही मैंने आपके साथ बाइंग डिस्कस किया था, बाइंग क्यों नहीं किया था उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। तो बाइंग जब हुआ यहाँ पे, उसके बाद देखिए इस जोन में अगर आपने 20, 800, 900 पर भी बाइंग किया तो आज आपको 21, 200 के ऊपर का रेट मिला। तो ये जो मूवमेंट होता है बहुत ही तेज मूवमेंट होता है, और इस टाइप का मूवमेंट मैं आपके साथ बार बार शेयर करता हूँ। और क्यों ये मूवमेंट आता है आपको ये चीज भी तो मालूम है ना कि ये मूवमेंट आता ही क्यों है। इस टाइप से जब एक ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे देखिए, जब इतना करेक्शन देने लगा तो मैंने बोला कि अब ये देखिए बुलिश है, बेरिश नहीं हुआ है। क्यों नहीं बेरिश हुआ है, आप देखिए आरएसआई आपका काफी ऊपर चल रहा है, आपका वीकली चार्ट में भी इसी टाइप से आपका आरएसआई चल रहा है, और एक आरएसआई का जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। उसको फिर से समझिए आप, आरएसआई की जो स्ट्रेटेजी है कि अगर आपका वीकली में बुलिश है, 3 टाइम फ्रेम हम चेक करते हैं जनरली, आपके साथ डिस्कस करता हूं कि 3 टाइम फ्रेम आपका देखिए वीकली में आपका आरएसआई बुलिश है, आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ है, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, डेली में आपका होना चाहिए वो भी बुलिश होना चाहिए। आप डेली में देखिए, डेली चार्ट में आप देख रहे हैं कि डेली चार्ट में भी आरएसआई आपका अप ट्रेंड के साथ यहाँ पे मार्केट में आरएसआई आपका बुलिश जोन में है। अब अगर तीसरे टाइम फ्रेम में अगर ये नीचे की तरफ आता है, करेक्शन देता है, तो वो पूरा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, तो नीचे की तरफ का जितना भी करेक्शन आता है वो आपका पूरा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, और ये चीज आपको हर बार मिलेगा। जब भी आप इस टाइप का ट्रेडिंग सेटअप ढूंढेंगे तो आपको हर बार मिलेगा। तो निफ्टी में ये जब सेटअप मिला तो जरूर ट्रेड करना चाहिए। क्या, जैसे ही यहां से देखिए ये सब जब आरएसआई जब कहां पे आया, जैसे ही नीचे आया, जितना भी ये सब एक्यूमुलेशन है सब बाइंग का ही है, एरिया है। आप बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपने यहां से यहां तक कहीं पे भी बाइंग किया या कहीं पे भी बाइंग किया, नेट नेट आपको प्रॉफिट हुआ। यही चीज आरएसआई के जो स्ट्रेटेजी है बहुत और बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट देता है। ये फास्ट मूवमेंट आता है, क्योंकि क्या होता है कि डेली वीकली में तो ऑलरेडी मार्केट बुलिश है, अगर आवरली चार्ट में अगर नीचे भी आया तो पूरा ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी आया, और पूरा बाइंग का अपॉर्चुनिटी आया। और ये चीज भी मैंने आपको डिस्कस किया कि देखिए ये अब इससे परफेक्ट आपको क्या मिल सकता है कि ठीक है ये ऊपर तो जाएगा लेकिन यहाँ से नीचे गिर के जाएगा, तो वो भी चीज हुआ। तो इसमें तो आपको सोने पे सुहागा मिला ना, लेकिन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग में ये सब में नहीं सही होता है। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि यहाँ यहाँ बाय करेंगे, ये जो यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, ये सब जो ऑप्शन को यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको वही सब रेट में मिलेगा, तो इसमें हो जाती है प्रॉब्लम। इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग या फिर फ्यूचर की ट्रेडिंग के साथ
या फिर कैश में अगर आपको इस टाइप के स्टॉक्स वगैरह सारा चार्ट में इस टाइप का सेटअप मिलता है दोस्तों। आरएसआई का ये जो सेटअप है ना, ये सारा चार्ट में इसी टाइप से मिलता है कि अगर डेली वीकली में अगर आपका स्ट्रोंग है मार्केट, तो अगर आवरली चार्ट में नीचे आया है तो पूरा बाइंग अपॉर्चुनिटी है सीधा सीधा, समझिए। आरएसआई का ये फंडा बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। अब ये कहाँ पे ये सपोर्ट लेगा ये कहना मुश्किल होता है। अगर यहाँ तक आ गया, यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, पूरा ही बेरिश हो सकता है, लेकिन इसमें बाउंस आएगा और बाउंस जो है ये आपको ये जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर तक का आएगा, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस क्या होता है, इसमें स्टॉप लॉस आपका एक पूरा अच्छा जो पैटर्न बनता है, यहाँ पे एक पैटर्न बनता है यहाँ पे कोई इस टाइप का सेलिंग का, तो वो एक स्टॉप लॉस होता है। वो एक एडवांस तरीका है जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बार बार बताते रहता हूँ और बताते रहूंगा, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे जब इतना ऊपर आ गया, अब क्या करना चाहिए, इससे पहले ट्रेड को भी समझ लेते हैं। तो आरएसआई की स्ट्रेटेजी अगर आपने समझ लिया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो एक बार फिर से रिकैप समझिए। वीकली में बुलिश आपका आरएसआई देखिए ऊपर, आपका डेली में इसके बाद फिर बुलिश होना चाहिए, आरएसआई आपका बुलिश, ठीक है। उसके बाद अगर आवरली में नीचे आया है तो ये पूरा बाइंग अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छा मोमेंट मिलता है। देखिए अच्छा मोमेंट मिला, अच्छा टारगेट आया, ठीक है। और भी अब इसमें देखते हैं, अब ये प्रॉफिट लॉस में देख लेते हैं कि ये सब जो ट्रेड लिया गया है इसमें देखिए, आप बोलेंगे कि ओटीएम ट्रेड आप ज्यादा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कम पैसा है तो आपको रिस्क को कम करना है, क्योंकि हम मैक्सिमम रिस्क 4,000-5,000 का ही लेते हैं, इसीलिए हम ओटीएम ट्रेड करते हैं। ओटीएम में क्या है कि हम यहाँ पे दो लॉट ले लिए ना, इसमें क्या है कि अगर हम हमारे पास अगर यही अगर 40-50 हज़ार का रिस्क रहेगा यहाँ पे अगर कैपिटल पे, तो हम उसमें भी आपको बड़े जो इन द मनी होता है उसमें भी करके दिखाएंगे। लेकिन नेट नेट जो आपको जो कंसोलिडेशन फेज में जो लॉस होता है ना, ये तो जो कंसोलिडेशन फेज था वहां पे जो लॉस हुआ, अगर उस टाइप का लॉस नहीं हुआ होता हमारा व्यू सही रहने के बावजूद भी, अगर फ्यूचर या फिर ऑप्शन सेलिंग में हम किए होते तो हमारा ये जो प्रॉफिट है आज के दिन में बड़ा होता। क्यों होता, क्योंकि हम ये सब जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है ना, इतने सारे जो इतने परसेंटेज वाइज बढ़े हैं, तो ये वाला हमारा बहुत बड़ा मूवमेंट आज मिस हो गया। ये बहुत बड़ा मूवमेंट होता है दोस्तों। इसमें क्या था, इसमें हमें 10,000 तो गैप अप के साथ ही 10-15 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत और बना लेते तो 15-20 हज़ार आज का ये एमटीएम होने वाला था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये भी होगा। आप इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डिस्क्लेमर ये है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। मैं यहाँ पे जो अपने ट्रेड है इसके एनालिसिस करके बताता हूँ कि किस टाइप से मैं ट्रेड करता हूँ, किस टाइप से लोग ट्रेड करते हैं, और किस टाइप से रिस्क और रिवार्ड को मैनेज किया था। देखिए कोई भी ट्रेड में इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा रहा है। देखिए हमारे व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं भी जाने के बावजूद में हमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ये चीज हम डिसाइड करके पहले से ट्रेड वगैरह करते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी में अगर आपको बढ़िया से समझ रहा है तो समझ के कीजिएगा, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अदरवाइज आप जो भी चीज है उसको पहले सीखिए, टाइम लगाइए, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, किसी भी कोई भी टाइम हो सकता है आपको सीखने में लग सकता है। उसके बाद इस टाइप की अगर ट्रेडिंग को अगर आप करते हैं, देखिए ओटीएम भी किया जा सकता है, इन द मनी भी किया जा सकता है, व्यू अगर आपका सही है उसके बेसिस पे अगर आप उसी टाइम के अगर ट्रेड करेंगे। अब देखिए अगर जो हमारा लॉस हुआ था ये सब 21,321,500 वाले कॉल्स पे ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर जो सेलिंग में हुआ था वो पुट पे हुआ था, तो दोनों में उसी टाइप का मूवमेंट आया, तो देख रहे 300-400% बढ़ गया। तो अगर उस टाइप का मूवमेंट आता आराम से प्रॉफिट हो जाता, हमने कॉल में जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उससे हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, और जो पुट वाला लॉस है उसको भी कवर कर लेंगे। तो आपको उसमें यही प्रॉब्लम होती है ऑप्शंस बायर को, ये जो अकाउंट है छोटा अकाउंट ग्रो करने में काफी इस टाइप से वोलेटिलिटी हो जाती है। अकाउंट क्या होता है इस टाइप से, क्योंकि होता क्या है ना कि यहाँ पे आपको व्यू सही रहने के बावजूद भी यहाँ से आपको लॉसेस हो जाएंगे, फिर अगर आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, फिर व्यू सही रहने के बावजूद भी लॉसेस हो जाएंगे। इसीलिए आपको जब भी आपको ट्रेड करना है तो एक सही चीज को समझिए, मार्केट है इसमें जब आपका एक अच्छा ट्रेंडिंग मूवमेंट है तो आपको यहाँ पे कोई भी अगर नेकेड ऑप्शन वगैरह भी बाय करेंगे तो चलेगा। ये सब अगर आपको करने नहीं आता, सीधे सीधे फ्यूचर्स में ट्रेड करें या फिर ऑप्शंस की सेलिंग करें, रिस्क होता है लेकिन उसको आप हेज करके करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर अगर जो भी आपको सही लगता है सही तरीके से करें, लेकिन व्यू को समझें। मैं आपको ज्यादातर यहाँ पे व्यू को समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉफिट लॉस तो पार्ट ऑफ गेम है, वो तो आपको आज ना कल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अगर आप व्यू को समझते हैं, तरीके को समझते हैं, आप देखिए क्या हुआ, यहाँ से जब मार्केट पूरा स्ट्रेस होकर यहाँ पे आ गया, यहाँ से भी हमने बाइंग किया, यहाँ से भी एक प्रॉफिट हुआ, लेकिन अभी भी हम बाइंग में है। क्यों है, क्योंकि अब देखिए ट्रेंड ऊपर की तरफ वापस से कंटिन्यू हो गया। अब जब भी इसमें रिवर्सल का सिग्नल आएगा तब हमें कुछ ना कुछ लॉसेस होगा और एग्जिट देगा। वही अगर हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा, कम लॉस में निकलेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ज्यादा लॉस में निकलेंगे। तो देखते हैं कितना वोलेटिलिटी होता है और कहाँ तक अकाउंट ग्रो होता है। बाकी चीजें इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।